चलिए, है स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? सर। चलिए, बिल्डिंग प्लानिंग। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिल्डिंग बाय लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉ, होल्ड ऑन स्टूडेंट, देर इज अ कॉल फ्रॉम द कॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग बाय लॉ, राइट। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। बिल्डिंग बाय लॉ से क्या समझते हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ? किसी ने इसकी पहली वर्ड सुना है? किसी ने सुना है? यस सर। क्या होता है सर? कोई भी बिल्डिंग प्लानिंग करने से पहले गवर्नमेंट के या जेडीए के कुछ प्लानिंग वर्क, मतलब उसके रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि हमारे साइड में कितना स्पेस छोड़ना है, कितनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग बनानी है, और एनवायरनमेंट को देखते हुए उस बिल्डिंग का निर्माण कैसे करना है, तो उस चीज को देखना पड़ता है। और सर उसमें जैसे, और उसमें सर कितना फ्लोर एरिया कवर करना है, कितना परसेंट फ्लोर एरिया छूटना चाहिए जिस पर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, और मतलब ऐसे। ओके, चलिए, काफी कुछ पता है आप लोगों को, है ना? जो लोगों ने जवाब दिए हैं काफी कुछ पता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो बिल्डिंग बाय लॉ है वो बेसिकली कुछ लोकल लॉ है ना, जो कि फॉर्म किए जाते हैं एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि इन्होंने बताया JDA, किसी ने एग्जाम्पल दिया किसका? JDA का, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? अथॉरिटी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी। सिमिलरली मैं बात करूं DDA, है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत सारी, अगर और लोकल की बात करें, BDA, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कुछ लोकल अथॉरिटीज होती हैं, कुछ लोकल अथॉरिटीज होती हैं जिनके द्वारा कुछ लॉ बनाए जाते हैं कि आपको जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो किस तरीके से करना है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपने डिजाइन किया है कि नहीं है, जियोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए आपने डिजाइन किया है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लेबर एज वेल एज, राइट, आप इन सारे पॉइंट को देखते हुए आपने डिजाइन किया है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग जो है डेफिनेट प्लांट वे में है ना, अगर कोई डेफिनेट प्लांट वे में है, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा, साउंड होगा एंड सेफ होगा, ठीक है, राइट। इकोनॉमिकल कैसे होगा? इकोनॉमिकल ऐसे होगा कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, आपने लोकल रिसोर्सेज और मैन पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो आपको कम कॉस्ट लगेगी, है ना, आपके पास जो कॉस्ट, जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर कॉस्ट ऑफ जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, है ना, अगर लोकल में मटेरियल अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट कम होगी। अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा किसी दूसरे प्लेस पे, ठीक है, उसके लिए आपको चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे, तो अनइकोनॉमिकल पड़ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपकी जो है कंस्ट्रक्शन साइट, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, राइट,
यहाँ पे आपका घर बन रहा है और आपको जो है ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ रहा है यहाँ से, है ना, मटेरियल यहाँ से आपको मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 25 किलोमीटर अभी, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लेबर, आपको लेबर चाहिए है, है ना, लेबर आपका अगर लोकली अवेलेबल है तो अच्छी बात है, लोकल यूज करो, नहीं तो आपको बाहर से ही आपको लोकल को सॉरी बाहर से ही आपको जो है मजदूरों को लाना पड़ेगा, है ना। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ना कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, उन्होंने क्या क्या प्रॉपर साइट बना रखी है अपने यहाँ, कंस्ट्रक्शन साइट बना रखी, लेबर जो है वहीं रहते हैं, सारी चीजें हैं, है ना, भले ही उन्होंने बाहर से बुलाए हैं बट हाँ वो 24 आवर्स अवेलेबल है, है ना, राइट। अगर मजदूरों को आप डेली किसी दूसरे प्लेस से ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको, है ना, दूसरे प्लेस से आप लेके आते हैं तो जो डेली का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इसलिए बनाए गए हैं कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, राइट, यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ बेनिफिट्स विद मिनिमम स्पेंड अमाउंट, इज दैट क्लियर। इसलिए ये रूल्स दिए गए, ठीक है, साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ ये रूल्स इसलिए भी दिए गए हैं कि जो भी बिल्डर है, है ना, जो भी बिल्डर है उसकी पावर को क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बिल्डर और जो भी ओनर है उसकी पावर को क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जैसे भी डीलिंग कर रहा है उसके बाद जो भी पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसलिए रूल दिए गए, नहीं तो जो नहीं तो जो बिल्डर और ओनर है वो अपनी मनमानी के साथ कंस्ट्रक्शन करेगा, है ना। जेडीए बोलती है कि नहीं मिनिमम 30% एरिया ओपन होना चाहिए इन योर फ्लोर, इन योर प्लॉट, मिनिमम जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक 30% ओपन एरिया होना चाहिए, अगर ये टोटल प्लॉट है आपका, है ना, तो आप केवल 30% जो सॉरी 70% पे ही कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, रिमेनिंग 30% पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप 30% ओपन होना चाहिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, ये कुछ रूल्स होते हैं, है ना, अथॉरिटीज के कुछ रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है, अभी बताऊँगा क्या क्या रूल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, ठीक। तो अथॉरिटी ने कुछ क्या दिए हैं, रूल्स दिए हैं किस तरीके से, है ना, JDA बोलता है कि नहीं आप जो है टोटल फ्लोर एरिया का, टोटल सॉरी प्लॉट एरिया का आपको जो है 70% जो है आपका फ्लोर एरिया होगा, है ना, टोटल 70% जो है फ्लोर एरिया होगा। फ्लोर एरिया अभी बताएंगे आगे सारे ये टर्म आएंगे, फ्लोर एरिया क्या होता है, FLOR, फ्लोर एरिया, ठीक है, लेंथ एरिया, ठीक है, कारपेट एरिया, ठीक है, ठीक है, ये सारे जो हैं, और एक होता है प्लॉट एरिया, ठीक है, प्लॉट एरिया, ये सारे क्या टर्म होते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो कुछ रूल्स हैं ये सारे दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स से अलग अलग अथॉरिटीज फॉर्म किए जाती हैं जो कि बिल्डर्स और ओनर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करती हैं और कुछ रूल्स बताती हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करना है और आपको उन जो भी गतिविधियां होती हैं या फिर जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर करता है जीडीए, है ना। ऐसा तो नहीं है कहीं आप जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, आपको परमिशन मिली हुई है 3 माले की, है ना, आपको परमिशन मिली है कितने की, 3 फ्लोर की, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया 4 फ्लोर तक, ठीक है, तो एज पर द अथॉरिटी ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अथॉरिटी वाले कभी भी आ सकते हैं और आपके पास लीगल एक्शन ले सकते हैं और हो सकता है वो जो फोर्थ वाला आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसको गिरा भी सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है ये जो है वही डिसाइड करते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बताएगा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। नंबर वन
गिव्स गाइडलाइन, क्या देता है, गाइडलाइन, ठीक है, इट गिव्स गाइडलाइन टू डिजाइनर और इंजीनियर, ठीक है, क्लियर। एनी कंस्ट्रक्शन बिफोर द यूजिंग ए परफॉर्मा, एनी कंस्ट्रक्शन बिफोर द यूजिंग ए परफॉर्मा विच इज द हेल्प टू डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रूल एंड रेगुलेशन गिवन दिस परफॉर्मा। आपने जो बोला रूल्स एंड रेगुलेशन बोला, वही जो मैंने लिखा वो गाइडलाइंस ही है बेसिकली, ठीक है, कि आपको एज पर द गाइडलाइंस करने से पहले कुछ गाइडलाइंस दी गई है, आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है एज पर द गाइडलाइंस ही करना है, ठीक है, जो भी डिजाइनर है, आर्टिस्ट है या इंजीनियर है उनके, ठीक है। सेकंड, यस सर, टू प्रिवेंट हैपजर्ड हैपजर्ड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन, इज दैट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्लियर है, हैपजर्ड डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर आप कॉलोनी प्लानिंग करने जा रहे थे कोई, ठीक है ना, कोई कॉलोनी प्लानिंग करने आप जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई कॉलोनी है पूरी, ठीक है, ये जो बता दे रहा हूँ कुछ है ना, कुछ एक मेन स्ट्रीट बना दे रहा हूँ, दिस इज द मेन स्ट्रीट है ना, दीज आर द सब स्ट्रीट, ठीक है, ऐसे कुछ सब स्ट्रीट बना दी मैंने, ठीक है ये मैंने 20 फिट दिया हुआ है, ठीक है, ये रोड मैंने 12 फिट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक बनाने के लिए। अब देखिएगा, कोई कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अगर एज पर द गाइडलाइंस कर रहे हैं तो जो भी जहाँ भी आपको बताया गया होगा कि हाँ हमारे जो प्लॉटिंग हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो प्लॉटिंग है कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हैपजर्ड नहीं होना चाहिए कि एक घर तो यहाँ बना दिया बाकी यहाँ का स्पेस पड़ा हुआ है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने बीच में घर बना दिया यहाँ, ठीक है, अब ना यहाँ की जगह यूज कर पाए, ना यहाँ की जगह यूज कर पाए, ना यहाँ की जगह यूज कर पा रहे, ठीक है, तो ये हैपजर्ड कंस्ट्रक्शन है, वो नहीं होना चाहिए, तो इसको प्रिवेंट करता है, इज दैट क्लियर। यस सर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या है और बताइए, टू कंट्रोल लैंड डेवलपमेंट एंड चेक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू कंट्रोल लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कि आप जो इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, नेक्स्ट, और क्या गाइडलाइंस दे सकता है, और क्या गाइडलाइंस दे सकता है, और कोई बताइए, और क्या गाइडलाइंस हो सकती है, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ठीक, वो स्पेसिफाई कर सकता है कि आपको मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, कोई बोलता है कि नहीं हमें जो है इस कॉलोनी प्लानिंग में पूरी जो है फ्लाई एस ब्रिक ही यूज करना है ना, फ्लाई एस ब्रिक ना, फ्लाई एस ब्रिक यूज करना है, वो दूसरा बोलता है नहीं हमें तो जो है क्ले ब्रिक यूज करना है, ठीक है, तो आपको रिस्पेसिफाई कर सकता है कि मटेरियल कौन सा आपको यूज करना है, ठीक है, ठीक। Yes, पॉइंट क्या हो सकता है,
सर हेल्थ को, और जैसे आग वगैरह लग जाती है बिल्डिंग वगैरह में, तो उसको देखते हुए ओके, और स्ट्रक्चर को देखते हुए। हाँ फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी राइट, फायर सेफ्टी ठीक, टू प्रोवाइड ओपन स्पेस, टू प्रोवाइड ओपन स्पेस एयर एंड ब्रीज। अभी मैं बता रहा था जेडीए आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि 30% से ऊपर ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी जो है 30% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक, स्पेस कितना होना चाहिए प्रॉपर एयर के सर्कुलेशन के लिए, ओपन एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर विंड का और वेंटिलेशन हो सके, विंड का मूवमेंट और वेंटिलेशन हो सके। और जो अभी अभी तुमने पॉइंट बोला फायर एंड सेफ्टी का, तो वो है टू अफोर्ड, टू अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, सेफ्टी अगेंस्ट फायर नॉइज एंड स्मोक, नॉइज एंड स्मोक इधर के लिए। सो बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय, क्या क्या सर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना सर, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन कितने गहराई पे बनाना है, उसके भी कुछ लिमिट वगैरह होती है। नहीं बेटा, ये जो है ये आपको जो है अथॉरिटी नहीं बताएगी, है ना, अथॉरिटी नहीं बताएगी कि आपको जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रखना है। अथॉरिटी का काम है आपके जो काम चल रहा है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कि आप जो है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहे हैं ना। वो ये नहीं बताएगा कि भाई यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉयल है तो ब्लैक कॉटन के लिए आपको मिनिमम डेप्थ इतनी देनी है, ये नहीं बताएगा वो, है ना। ये काम जो है एक इंजीनियर का है, जियोटेक्निकल इंजीनियर ही बताएगा, है ना, ठीक। लोड वो आपको लोड कैलकुलेशन नहीं बताएगा, है ना, कि भाई इस बिल्डिंग पे इतना माले जो है इतने माले हैं और इस पे इतना लोड आना चाहिए, वो ये नहीं बताएगा आपको, ठीक है। वो ये देखेगा कि हमने परमिशन इनको 3 माले की दी, इन्होंने 4 बनाए, वो ये रेगुलेट करेगा, ये कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। Is that clear? Yes, sir. एक बार इनको रिवाइज करिए, क्या क्या है आप लोग रिवाइज करिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गिव द गाइडलाइन टू द डिजाइनर और इंजीनियर, ठीक है, जो भी डिजाइनर और इंजीनियर है ना, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक, टू प्रिवेंट द टू प्रिवेंट द हैपेजर्ड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई हैपेजर्ड कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, है ना, ठीक, ताकि जिससे और प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो सके किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन को करने में, है ना, राइट। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया टू कंट्रोल लैंड डेवलपमेंट एंड अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, लैंड का आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट है टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज, ठीक है, मटेरियल कौन सा आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा टू प्रोवाइड ओपन स्पेस एयर एंड ब्रीज, ठीक है, कोई अगर बिल्डिंग है ना, अगर 30 मीटर क्यूब का है ना, अगर कोई रूम है ना, उसका वॉल्यूम की बात करें तो कितना है उसका वॉल्यूम, 30 मीटर की उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो एज पर थंब रूल, कुछ थंब रूल होते हैं, मिनिमम जो है 1% ओपन एरिया होना ही चाहिए। 1% कितना हो गया, वन परसेंट, ठीक है। कुछ रूल्स हैं अभी बता दूंगा, है ना, कि कितना होना चाहिए विंडो के लिए, कितना होना चाहिए ग्लेज के लिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट हमने देखा टू अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर नॉइज एंड, फायर फाइटिंग के लिए प्रोविजन होना चाहिए, है ना, हाइड्रेंट होना चाहिए प्रॉपर, है ना, हाइड्रेंट जो होता है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं आग लग जाए तो जो है कहीं भी यह पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है आपके पास, है ना, क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो है आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके बाजू में कोई इस तरीके की कोई फैक्ट्री लगी हो, ठीक है, तो इन सबको प्रिवेंट करता है, ठीक। So these are the basic objectives of building by law. I hope you clear building by law क्या है, ठीक है, building by law क्या है,
और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर क्लियर एवरीवन? यस सर, सभी के लिए क्लियर है? यस सर। काफी लोग जुड़ चुके हैं, 28, देयर आर 28 स्टूडेंट इन माय क्लास। सभी के लिए क्लियर है? किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेगुलेशंस क्या क्या है, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो है हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या रेगुलेशंस दिए गए हैं। चलिए चलिए, है ना। सो बिल्डिंग बायलॉ रेगुलेशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग बायलॉ रेगुलेशन। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। अगर स्क्रीन शेयर ना हो रहा हो तो बोल दिया करो बीच में, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल देना, ठीक। चलिए सो देखते हैं बिल्डिंग बायलॉ रेगुलेशंस क्या है, है ना। रेगुलेशंस क्या है? रेगुलेशन में सबसे पहले आता है मींस ऑफ एसेट्स। नंबर वन means of assets क्या मतलब है कोई बताएगा? assets का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? निर्धारण करना हो सकता है। निर्धारण करना, कोई और बताएगा एसेस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेस सर? यूज करना किसी चीज को, लाइक सर एक प्रोसेस टाइप सा जो होता है। प्रोसेस तो नहीं कह सकते, हाँ एक मैं ये कह सकता हूँ एक पहुंचने का तरीका, है ना। फॉर एग्जांपल देखते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, एंड दिस इज अवर मैन स्ट्रीट, यू नो, एंड दिस इज अवर मैन स्ट्रीट and this is sub-street, this is sub-street, ठीक। ये sub-street एक ऐसे चली गई, ठीक, और एक sub-street ऐसे चली गई, ठीक है, sub-street ऐसे चली गई, ठीक, कुछ इस तरीके से चली गई, ठीक। अब आपको इस बिल्डिंग तक पहुंचना है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग तक पहुंचना है। आप यहाँ से आए, आप यहाँ से आए, ये गए, आप यहाँ पहुँच गए, राइट, आप यहाँ पहुँच गए, इधर इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है,
यस सर। चलिए आप जैसे यहाँ पहुँचते हैं है ना, आप जैसे यहाँ पहुँचते हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ठीक। एक मैन होल है, क्या है? मैन होल ठीक है। इसी के बाजू से क्या लगी हुई है? ड्रेनेज लगा हुआ है बिल्डिंग का ठीक है, ड्रेनेज लगा हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ मीनो फैक्टर का ठीक है। आप जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैन होल जो है ओपन है, क्या है? ओपन ठीक है। यहाँ से जो भी ड्रेनेज है, जो भी ड्रेनेज लगा हुआ है ठीक, इस ड्रेनेज जो है ओवरफ्लो हो रहा है और सारा पानी यहाँ यहीं पूरी सड़क पर बिखरता जा रहा है ठीक है ठीक। तो क्या ये सही है और गलत है? मीन्स ऑफ एसेस के हिसाब से ये जो है गलत है कि सही है, आप बताइए हमें। गलत है सर। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी उस प्रवेश मार्ग से आगे बढ़ेगा तो उसको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल आगे वाले इस मेन होल में जाना चाहिए था सर, ये पूरा पानी और ये बाहर है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ये पॉइंट है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है हमारा कि जो व्यक्ति ट्रेवल करके आ रहा है ना, उसके लिए क्या क्रिएट हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मीन्स ऑफ एसेस नहीं है ठीक है। आप जिस डेस्टिनेशन चाहते हैं उस डेस्टिनेशन पहुंचने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एसेस। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक और पॉइंट देखते हैं ठीक है, कुछ और भी है ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये चलो ड्रेनेज हटा देते हैं। जिसने भी प्लान किया ड्रेनेज सही तरीके से बनाया उसने ठीक है, ड्रेनेज सही तरीके से बनाया ठीक, ड्रेनेज उसने सही तरीके से बनाया ठीक है, बट उसने एंट्रेंस गड़बड़ कर दिया कुछ है ना। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस ना, यहाँ ये एंट्रेंस, उसने कुछ एंट्रेंस इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप जो है गाड़ी लेके जो है एंटर नहीं कर पा रहे ठीक है। दिस इज नॉट द मीन्स ऑफ एसेस। द एसेस शुड बी द एसेंस, द एसेस शुड बी मेंटेन्ड from any obstruction, कोई भी obstruction हो सकता है। मैंने यहाँ entrance की बात की, आपने कुछ यहाँ पर gate लगाया हुआ है ना, gate इस तरीके से लगाया है कि आपको इस building में enter करने enter होने से problem हो रही है, enter करने में problem हो रही है। तो this is not the access, ठीक? So the access should be maintained from any obstruction and should not any time cause or permit any portion of building, right? Any portion of building. एक और पॉइंट देखते हैं ठीक। अब आप चले जा रहे हैं इसी में, देखिएगा थोड़ा सा हाइट का क्राइटेरिया बता देते हैं ठीक। आपने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है ना, ये फर्स्ट फ्लोर आपने इतना ओवरहैंग किया हुआ है ठीक है, ओवरहैंग किया हुआ है ओवरहैंग किया हुआ है आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ था ठीक, कुछ इस तरीके से आपने स्लैब को प्रोजेक्ट किया हुआ है ठीक। अब आपको यहाँ आना है, ये आपने हाइट बहुत ही कम रखी है। जनरल हाइट कितनी होती है कोई बताएगा? जनरल हाइट कितनी होती है? 10 फीट सर। हाँ 10 फीट 10 ठीक है। एक फ्लोर टू फ्लोर की बात करें तो उन्होंने कहा 10 फीट, और 10 फीट कितना हो गया मीटर में, कितना हो जाएगा? एक मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 सर, 3 फीट। 3 फीट वन मीटर इज इक्वल टू 3.48 फीट। 3 मीटर 48, 3.48 आएगा।
3.33 ऑलमोस्ट होता है, एम आई राइट? 3.33 होता है, ठीक है, एक मीटर में, ठीक है, मीटर होता है, कितना? 3.08 नहीं सर, सही है, 3.28 होता है, 3.33 होता है, लगभग 3.3 होता है, ठीक है, यस सर, यस, ठीक है, 1 meter is equal to 1 meter जो होता है 3.33 कहें तो, है ना, 3 feet होता है करीब करीब, ठीक है, 3 feet, है ना, कहीं कहीं 3.281 मिलेगा, है ना, अलग अलग होते हैं, ठीक, क्योंकि वो इंच में अगर देखेंगे इंच से कन्वर्ट कर, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है, इंच में आप देखोगे तो काफ़ी 2-3 digit तक लिया जाता है, जैसे 1 centimeter इक्वल देखोगे तो कितना होता है 2.54, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना ये लास्ट ऑलरेडी इस कारण से वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ऑलमोस्ट कहते हैं 3, कोई कहता है 3 feet होता है, ठीक है, बट आप कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है, एग्जैक्ट जो कन्वर्टर है आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके लिखना, ठीक, तो पता चलेगा आप, ठीक, कि इंच में इंच की वैल्यू कितनी लेते हैं, कोई लेता है 2.5 ही लेता है, कोई 2.54 लेता है, ठीक है, 1 inch बराबर, ठीक है, और 1 feet में कितने इंच होते हैं, 12 सर, राइट, 1 feet इज इक्वल टू 12 inches, ठीक है, यस सर, 12 inch, ठीक है, और 1 inch में कितने सेंटीमीटर, 2.5 centimeter, 12 inch, देखो इन्होंने बोला 2.5, मैं बोलता हूँ 2.54, ठीक है, तो यही वैल्यू जो है आप लोग अलग अलग जो आंकड़े बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है, कोई 3.28 बता रहा है, कोई 3.3 बता रहा है, तो यहीं से वेरी करते हैं ये सारे आंकड़े, ठीक है, चलिए वेल हम अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे कि आपने कंस्ट्रक्शन जो भी किया हुआ है, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपने ये जो स्लैब प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, ये जो भी स्लैब प्रोजेक्ट किया है इसकी हाइट 2.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर 2.3 मीटर से कम हो गई, ठीक है, तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, कैसे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी कोई बताएगा, सर ये जैसे अगल बगल में कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके कंपेयर टू डिफरेंट दिखाई देगी सर, सर व्हीकल्स को निकलने में भी, व्हीकल्स को निकलने में दिक्कत होगी, डोर के लिए, डोर के लिए सर वो हाइट कम होगी, मतलब स्लैब वगैरह फिर कम डालनी पड़ेगी डोर के ऊपर वाली, डोर के ऊपर वाली, ये कोई लॉजिक नहीं, तो इन्होंने बताया कि हमें जो है निकलने में दिक्कत होगी, व्हीकल को ले जाने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करना है, है ना, आपको मिनिमम हाइट रखनी ही पड़ेगी, एक व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की हाइट कितनी होती है, हाइट ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल 5-6 फुट, 5-6 फुट, ठीक है, अगर ट्रक की बात करता हूँ मैं, ठीक है, सिंगल डेकर की बात करता हूँ 3.8 meter, ठीक है, राइट, सिंगल डेकर की बात करें 3.8 meter, और डबल डेकर की बात करें तो 4.6 meter, ठीक है, डबल डेकर जो होते हैं, डबल डेकर बस देखिए ना, यस सर, उसके लिए, ठीक है, तो इनके लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, राइट, अब देखिए कुछ कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, एवरी बिल्डिंग शुड हैव मींस ऑफ, सर वो तो सर 2.3 होनी चाहिए, तो सर वो तो 3.8 है, वो तो अगर वो तो फिर भी क्रिएट करेगी अगर एक्स्ट्रा बाहर निकाल देंगे तो, मतलब सर मैंने कहा 2.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट ये एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है 3.8 मीटर का व्हीकल ही लेके जा रहे हैं, है ना, कॉलोनीज में इतने जो है परमिट नहीं होते हैं, नो एंट्री के बोर्ड लगे होते हैं, है ना, नो एंट्री के भी बोर्ड होते हैं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, आपकी गाड़ी जो होती है, आप टू अपनी फोर व्हीलर जो है छोटी व्हीकल है ना, SUV, है ना, SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है, उसके लिए तो सही है ना, उसके लिए सही है कि नहीं है, यस सर, ठीक है, ये जनरल रूल है, मैंने 2.3 मीटर जो है बिल्डिंग वाले लोग के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है, बट ये मैंने जो बताई जनरल बात बताई है कि 3.8 मीटर होता है, ठीक है, बट स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो कितनी होती है, 1.3 मीटर,
और 1.4 मीटर हाइट है ना। आपकी नैनो गाड़ी की बात करूँ या फिर एल्टो की बात करें तो हाइट तो बहुत कम होती है उनकी, ठीक है, वो तो इजीली पास कर जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप और कोई व्हीकल लेके आ गए ना बड़ा, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब वही बात करते हैं, ठीक है, वही बात करते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग वाले ये कहते हैं अगर आप 3 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, 3 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, और तो उसके लिए 3 मीटर 3 माले तक की बिल्डिंग के लिए आप मिनिमम विड्थ जो है स्ट्रक्चर की विड्थ है वो कितना रख सकते हैं आप, 3.6 मीटर, ये कम एटलीस्ट है ना, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी मिनिमम 3.6 मीटर विड्थ तो होनी ही होनी चाहिए अगर 3 माले तक, ठीक है, नहीं तो इससे काम रखोगे ना आप तो एकदम सिलेंडर जैसा लगने लगेगा, सिलेंडर समझते हो ना, है ना। सपोज दैट मैं करूं ये 3.6 मीटर ले ली, ठीक है, ये 3 वाली मैंने बना दी, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब मैं 3.6 मीटर से कम करता हूँ, 2.5 मीटर कर दूँ, है ना, कितना कर दूँ, 2.5 मीटर, ये घटा के मैंने 2.5 मीटर कर दिया, देखो ये इस तरीके से बनने लगा, ये ज़्यादा सिलेंडर हो गया ना, है ना, ये ज़्यादा सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो जो सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में, और साथ ही साथ उनमें थोड़े से देखो जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है उनमें स्टेबिलिटी होती है ना, उनमें स्टेबिलिटीज भी होती है, सारी चीज़ें होती है, वो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये जो आपने 2.5 मीटर का सिलेंडर जैसे बनाया हुआ है दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, एस्थेटिकली आप देखेंगे एस्पेक्ट के हिसाब से ये गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, है ना, आप देखोगे तो क्या बना हुआ है, वाइट टावर, छोटा सा टावर, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इज दैट क्लियर। सर सर 10 फीट से छोटे का सर इसलिए भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर फैन वगैरह प्लग करते हैं ऊपर ऊपर तो फिर वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप, अगर हम कोई फैन वगैरह, हाँ मतलब सर 10 फीट से नीचे का इसलिए भी तो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फैन वगैरह प्लग करते हैं ऊपर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 10 फीट से अगर नीचे हाइट होगी तो। राइट, आप फ्लोर टू फ्लोर की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ ओबियस सी बात है, अगर जो है आप 10 फीट से कम करोगे ना, 10 फीट से कम हाइट अगर आप रखोगे तो ओबियस सी बात है ना, आपको फैन लगाने में दिक्कत होगी। राइट, फैन लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि फैन को आप जो है ऐसा है नहीं कि आप सीलिंग के साथ एकदम टच करके लगाओगे, है ना, कुछ नीचे ओवरहैंग करके ही लगाओगे, ठीक है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये अंदर की बात है ना, अंदर की बात मतलब आप अपनी बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी बताऊंगा फ्लोर टू फ्लोर की कितनी होती है, ये सारे जो टूल्स हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू क्लियर द मीन्स ऑफ एसेस, राइट। यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट आते हैं, लाइन ऑफ बिल्डिंग सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज और बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है, ये सबको पता होगा, ये सबने सुना भी होगा बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल लाइन क्या होता है, क्या होता है, किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है कि नहीं है सर, बिल्डिंग का सर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट की इसके बियॉन्ड बिल्डिंग खत्म हो जाती है, इसके बियॉन्ड बिल्डिंग खत्म हो जाती है, हाँ मतलब लाइक सर ये लाइक ये इस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, इसके आगे बिल्डिंग नहीं बनेगी, हाँ आप मतलब सर मतलब सर रोड्स वगैरह से जो डायरेक्ट जो मतलब वो परमिशन दी जाती है कि रोड्स वगैरह के इतने डिस्टेंस के अंदर बिल्डिंग नहीं बन सकती, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है ना, आपने इसके पहले जिसने भी बताया वो भी सही जा रहा था, बट थोड़ा सा जो है आप दूसरे ट्रैक पे चले गए, है ना। देखिए बिल्डिंग कंट्रोल लाइन का मतलब ये है
है ना, कि वो कंट्रोल लाइन सेंट्रल लाइन ऑफ रोड से वो कंट्रोल लाइन जिसके बाद आपकी बिल्डिंग बनना शुरू होगी, इसके पहले बनना शुरू नहीं होगी। इज इट क्लियर? अब देखो बताता हूँ किस तरीके से जो है बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग कंट्रोल लाइन ये रेड लाइन मैंने बनाई क्या, सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ रोड। दूसरा पेन से मैं बनाता हूँ, एक और लाइन बनाता हूँ, ठीक है, एक और लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन जो है ये कौन सी है हमारी, लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, राइट, ये है लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन। क्या हो गई, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये कहलाया लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, सॉरी फॉर द, ये बिल्डिंग लाइन हो गई, ये कहलाई हमारी लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, ये कहलाई जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये कहलाई लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन और बिल्डिंग कंट्रोल लाइन। अब देखिएगा आपका जो भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, आई एम चूजिंग विद डिफरेंट कलर, ठीक, यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, कोई घर बनाया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है मैंने, ये क्या है रेसिडेंशियल, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रल लाइन ऑफ रोड से लेके आपके बिल्डिंग के फ्रंट तक का जो लाइन होता है उसे कहा जाता है बिल्डिंग कंट्रोल लाइन। इज दैट क्लियर? बिल्डिंग कंट्रोल लाइन, ठीक, और एक और होती है लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन को मैं एक और दूसरा पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं एक और, मैंने ये बनाई थी, दिख रहा है, कि मैंने कोई क्या बनाया हुआ है, ये कोई फैक्ट्री बनाई है मैंने, क्या है ये फैक्ट्री, और ये कोई मेरा बनाया सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक। सेंट्रल लाइन ऑफ रोड से लेके, सेंट्रल लाइन ऑफ रोड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो लिमिट है वो कहलाता है लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, ठीक है, लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, क्लियर है, समझ गए yes, कि नहीं समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि कोई जेडी है या फिर डीडी है ना, कोई अथॉरिटीज है वो आपको परमिट कर सकती है कि आपको कंस्ट्रक्शन कहाँ तक करना है ना, इसके बियॉन्ड आपको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आप इसके बियॉन्ड आपका कंस्ट्रक्शन होगा, इस लाइन के बियॉन्ड आपका कंस्ट्रक्शन होगा, आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लिया तो वो इलीगल कहलाएगा, जब कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी तो वो तोड़ सकते हैं, इज दैट क्लियर, को तोड़ देंगे, इज दैट क्लियर। तो वो आपकी बाउंड्री डिसाइड कर सकता है कि आप इस बाउंड्री तक बढ़ सकते हैं, इस बाउंड्री के बाद नहीं बढ़ सकते, इज दैट क्लियर। लेकिन आजकल जो है लोग सड़क पे कब्जा करके बैठे रहते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए कुछ लिमिट्स बता देता हूँ कि इनके लिए क्या लिमिट होती है ना, अगर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की बात करता हूँ, है ना, आई एम चूजिंग विद डिफरेंट कलर, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे एरिया स्टेट हाईवे टाइप ऑफ रोड, ये यहाँ पे रोड हो जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग लाइन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल लाइन क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे अगर लगा हुआ है ना,
उसके बाजू में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सेंटर लाइन से कितनी मीटर तक, 30 मीटर तक बिल्डिंग बना सकते हो, और सेंटर लाइन से 45 मीटर दूरी पर बनाना पड़ेगा मिनिमम आपको कुछ सिनेमा हॉल और थिएटर और एनी फैक्ट्री, ठीक है। वहीं पे एमडीआर की बात करता हूँ, एमडीआर का मतलब है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो भी डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो बिल्डिंग जो कंट्रोल लाइन होगी, ठीक है, वो सेंटर से कितनी दूरी पर, 15 मीटर की डिस्टेंस पे होती है, और वहीं कंट्रोल लाइन की बात करें तो वो होती है 24 मीटर में, राइट। वहीं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है ना, ODR की बात करो तो अगर वहीं बिल्डिंग कंट्रोल लाइन होगी उसके लिए 9 मीटर, और कंट्रोल लाइन जो होगी वो होगी 15 मीटर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डिस्टेंस बताई थी, ये मैंने वही डिस्टेंस लिखी है ना, ये वाली, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। सेंटर लाइन सर, ODR मतलब बताना दोबारा सर। ODR मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, राइट। एक और होता है, मैं बता दे रहा हूँ अभी इनको, एक और लिख लूँ, एक होता है VR, VR मतलब विलेज रोड। विलेज रोड के लिए सेंटर लाइन की बात करो तो होना चाहिए कितना, बिल्डिंग के लिए 9 मीटर और फैक्ट्री और सिनेमा हॉल के लिए 15 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने पांच टाइप के जो है हाईवे होते हैं, पांच टाइप के रोड होते हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो थोड़ा सा हाईवे के बारे में बता देता हूँ। जब 20 ईयर प्लान आया था अपना, है ना, 20 ईयर प्लान है ना, कब आया था किसी को पता है? 1943 में आया था। 1943 से 20 साल लगाओगे तो 1963 में ये कंप्लीट होना तक चलना था, लेकिन 1963 में कंप्लीट ना हो गया, 1961 में इसने अपना टारगेट कर लिया था, ठीक है। तो पहला जो 20 ईयर प्लान आया था वो नागपुर द्वारा दिया गया था, ठीक है, नागपुर, ठीक। तो इन्होंने जो है बेसिकली रोड को जो है 20 ईयर प्लान की बात कर रहा हूँ, ये रोड डेवलपमेंट प्लान है, रोड डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। क्या है रोड डेवलपमेंट प्लान? रोड डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, 20 ईयर प्लान जो है, सबसे पहला आया, 3 20 ईयर प्लान है, नागपुर, मुंबई एंड लखनऊ। तो सबसे पहला जो प्लान था वो नागपुर प्लान था, ठीक है, वो दिया गया था 1943 से 1963, ठीक है। इनका टारगेट ये था कि हमें जो है 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो उसमें 16 किलोमीटर लंबी सड़क पक्की होनी चाहिए, इनका ये टारगेट था बेसिकली, ठीक है। इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया। तो इन्होंने इन्हीं टारगेट के तहत इन्होंने जो है जो हाईवेज हैं इनको क्लासीफाई किया, तो पांच टाइप से क्लासीफाई किया है। नेशनल हाईवे NH आपने पढ़ा होगा, सेकंड होता है SH स्टेट हाईवे, थर्ड होता है ODR, है ना, सॉरी नॉट ODR, इट्स जो है MDR, राइट, MDR, ठीक, MDR। एक होता है BD, अरे ODR, है ना, ODR, और एक होता है VR, ये होता है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे, ये होता है स्टेट हाईवे, ठीक है, ये होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, एक ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, और लास्ट मैंने बताया विलेज रोड, ठीक है, विलेज रोड। ये पांच तरीके से क्लासिफाई किए गए थे, ठीक है, जब 20 ईयर प्लान आया था, सबसे पहले नागपुर था, तो नागपुर ने इन पांच को डिफाइन किया, ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ठीक है। तो इन्हीं पांच टाइप की अगर सड़कें कहीं से निकल रही हैं तो वहां से आपकी बिल्डिंग की जो है लोकेशन और बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कंट्रोल लाइन कितनी दूरी पे होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है अगर कोई आप सिनेमा हॉल और थिएटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो सेंटर लाइन ऑफ दिस रोड, ठीक, इन रोड के सेंटर लाइन से कितनी दूरी पे आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है एक आइडिया दे दिया। किसी को दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक, हम यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले। सर कोई इसकी ई बुक नहीं मिल रही सर?
ठीक, इसका नोट्स में शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा। अभी मैंने जो है जो पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, प्लानिंग जो है, चलो प्लानिंग के बारे में मैंने उसका पीपीटी शेयर किया हुआ है आप लोगों को, है ना, पीपीटी शेयर जी सर, सीरियल के नाम से आप गूगल क्लासरूम में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी सर। इसका भी मैं अभी जैसे ही हमारे लेक्चर खत्म हो गए उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। इसमें